नमस्कार सभी फार्मर भाइयों को। कुछ दो चार दिन पहले किसी ने शेडों के इन्वायरमेंट के बारे में पूछा था, तो मैं इतनी सेहत अच्छी नहीं थी तो बड़ी ऑडियो नहीं डाल सका। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर पिगरी को अच्छे ढंग से करना है, अगर पिगरी में प्रॉफिट चाहते हो, बच्चों की मॉर्टेलिटी कम हो, जानवर सही टेम्परेचर में पलें बढ़ें, तो ऑब्वियसली चीज़ है, एक शेड के नीचे तो काम नहीं हो सकता। हालांकि इंडिया में जुगाड़बाजी चलती है और 99% शायद इससे भी ज़्यादा सिंगल शेड से ही काम लोग कर रहे हैं, लेकिन आए दिन जो प्रॉब्लमें बढ़ती हैं, जो जानवर की ग्रोथ नहीं होती, या फिर जो भी मुश्किलें होती हैं, वो सिर्फ यही कारण है कि जो रख रखाव जो एनिमल को एनवायरनमेंट चाहिए, जिस तरीके की शेडें चाहिए, एक्चुअल में है ना, हमारी सोच थोड़ी डिफरेंट है। कुछ लोग पहले ज़्यादा पैसा लगा के बाद में सुखी रहते हैं, कुछ लोग पहले कम बजट लगा के बाद में ज़्यादा लॉस झेल के बैलेंस वहीं पे आ जाता है। बाकी ये ज़बरदस्ती नहीं है, जिसको जैसा ठीक लगता है वैसा वो करता है। बहुत से ऐसे फार्म हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने मॉडिफाई करके अपने फार्मों को ठीक भी किया है, तो पहले से बेहतर हो चुका है काम। तो जो इन्वायरमेंट के विषय में पूछा गया था, सही मायने में तो पिगरी एक शेड के नीचे हो ही नहीं सकती। पिगरी के लिए आपको जेस्टेशन अलग से चाहिए, लैक्टेशन जहां पे फीमेल डिलीवर होगी, डिलीवरी रूम अलग से चाहिए, वीनिंग रूम या फिर उसको नर्सरी रूम बोल लो, वो अलग से चाहिए। उसके बाद में ग्रोवर और फैटनर इकट्ठे रह सकते हैं, इवन ग्रोवर फैटनर और जेस्टेशन भी इकट्ठे रह सकते हैं। बोर हर हालत में अलग होने चाहिए। अभी क्वेश्चन मुझे ये किया गया था, भी कितना एनवायरनमेंट होना चाहिए, कितनी शेडों के अंदर गर्मी और सर्दी होनी चाहिए। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो जो एक शेड के नीचे लोग काम करते हैं, आधा ओपन है आधा बंद है, या फिर जो आजकल कवर्ड फार्म भी चल रहे हैं, विंडो छोड़ रखी हैं 3x3 की, वहां पर भी तिरपाल लगा के उसको बंद कर लिया जाता है, उसमें भी दिक्कत है। दिक्कत कहाँ आती है? जो छोटे बच्चे हैं, 100 फुट लंबा या 70 फुट लंबे लोगों के शेड हैं, छोटे बच्चों को कितना भी आप शेड को कवर कर लो, वो लूज मोशन करने से नहीं हट सकते। गर्मियों में उल्टा होता है, बड़े जानवर मुंह खोल खोल के हाँफते हैं, तो सर्दियों में छोटे जानवरों को इन्वायरमेंट नहीं मिलता जितना उनको चाहिए। तो बेहतर यही है कि अलग अलग शेडे हों तो पिगरी अच्छे ढंग से मज़ेदार होती है। मैंने 3 शेडे बनाई हैं, एक जेस्टेशन है, आधी दीवार है आधी जाली है, पूरा कवर्ड है, लेकिन इसमें मैंने एक प्लस पॉइंट क्या रखा है, मेरी यूट्यूब पे एक वीडियो भी होगी, शायद कई लोगों ने देखी भी है, ना किसी ने देखी हो तो बता देना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। जो छत है उसके सेंटर में मैंने एक गैस निकलने के लिए हट डाल रखा है, जो कि बहुत जरूरी है पिगरी के लिए। अभी आजकल उसकी मुझे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, मैंने उसको तिरपाल लगा के बंद कर दिया। एक्चुअल में मैं अपनी शेडों के बारे में बताऊं तो मेरा एक शेड है 32 फुट चौड़ा और 72 फुट लंबाई, उसमें 14x10 के 14 बॉक्स हैं, जिसमें तकरीबन बड़े जानवर ही रहते हैं। 4 फुट की दीवार है, बाकी जाली लगी हुई है। गर्मियों में जब
अंदर गर्मी पैदा होती है, बाहर से हवा तो आती है। आप में से बहुत से लोगों के ऐसे फार्म बने हुए हैं, आधी दीवार आधी जाली, हवा क्रॉस होती है, लेकिन हवा क्रॉस होने के बावजूद जो अंदर की गंदी हवा वो निकलती नहीं है, छत की हाइट पे जो लगी रहती है ना वो नहीं निकलती, उससे इमोनिया गैस भी बनता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी होती है और भी बहुत सी बीमारियां चलती हैं। तो मेरा मानना यह है कि एक तो सेंट्रल बीच हट बनना चाहिए जिससे कि ऑटोमेटिकली गैस जो गंदी है निकल जाए। गर्म हवा ऊपर होती है, ठंडी हवा नीचे होती है। तो सर्दियों में अगर हम उसको ऊपर से बंद कर लेंगे, बोरी लग के बंद हो जाते हैं, तो हीट बनी रहती है। साइडों से बंद करो ना करो, वैसे तो मैंने किया हुआ है क्योंकि एनिमल बहुत कम है अंदर, तो अंदर बिल्कुल इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता है। जो बड़ी साव है उसके लिए कम से कम 22 डिग्री होना चाहिए। शेड की हाइट जो है सेंटर में अगर 11 साढ़े 11 12 फुट हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैंने 13 फुट रखी है, साइड से 10.5 फुट रखी है। इसी प्रकार से मेरा एक ग्रोवर शेड है, उसमें भी सेम वही चीज है। उसमें कम से कम 20 से 25 किलो से पहले बच्चे नहीं आते हैं। लाने के लिए हम छोटे भी ला सकते हैं, लेकिन सही मायने में वो जो शेड बना हुआ है वो ग्रोवर शेड है। 20-25 किलो का बच्चा लाओ और वहां पे फैटनिंग करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे पास जो डिलीवरी रूम बना हुआ है 27x27 का, मेरे पास डिलीवरी रूम है जिसमें 9x6 के 8 पैनल लगे हुए हैं, 3 कॉरिडोर है। जैसे ही फीमेल जहां पे खड़ी होती है उसके बिल्कुल बैक साइड पे विंडो है, 11 फुट उसकी हाइट है। गैस निकलने के लिए ऊपर भी विंडो छोड़ रखे हैं जो कि ऑटोमेटिकली जितना आप विंडो खोलोगे उतनी गैस निकल जाएगी। गर्मी और सर्दी को आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। मोस्टली सबने मेरे फार्म की वीडियो देखी हुई है, तो ये किसी भाई के 2 बार 3 बार मैसेज आए कैसी शेडें होनी चाहिए, कितनी उसके अंदर गर्मी सर्दी होनी चाहिए, तो ये मैं अपने ही शेडों को नज़र में रखते हुए आपको बता रहा हूँ कि एक शेड के नीचे तो पिगरी करना बहुत मुश्किल है। उसमें मुश्किलें आएंगी, गर्मियों में बड़े जानवरों को आएंगी, सर्दियों में छोटे बच्चों को आएंगी। तो वो जैसे कि बड़े जानवर को कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, तो बड़े जानवरों को गर्मियों में जो भाफते हैं, सांस मुश्किल से लेते हैं, तो छोटे बच्चों को गर्मियों में कोई दिक्कत होती ही नहीं, चाहे 30, 35, 40 डिग्री भी चला जाए, छोटे बच्चे तो सही रहते हैं उसमें। तो सर्दियों में फिर बड़े जानवर बड़ी छड़ों में ठीक रहते हैं, छोटे बच्चों को ठंड लगती है, ठंड लगने के कारण लूज मोशन होते हैं, लूज मोशन के बाद में बैक्टीरिया फैलता है, बैक्टीरिया के बाद में शेडों का पूरा सत्यानाश। तो अगर अलग अलग बन जाएं तो ज्यादा अच्छी बात है। मेरे हिसाब से तो इस प्रकार से ही शेडें बननी चाहिए। बाकी देखो जिसने जैसा बना रखा है उसको ज्यादा तोड़फोड़ तो कोई कर नहीं सकता। बाकी अगर आपका कोई और क्वेश्चन होगा तो वो पूछ लेना, फिर मैं बता दूंगा। छोटे बच्चे मैक्सिमम जितनी ज्यादा छोटी से छोटी जगह और ज्यादा से ज्यादा एनवायरनमेंट में रहें, तो एक बार बच्चे चल पड़े उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आती। 15 किलो के बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आती। जो सही ढंग से बिक्री करना चाहते हैं, ज्यादा मॉडिफाई नहीं भी कोई कर सकता, तो उसको ना अलग से 2 रूम तो बनाने ही पड़ेंगे। एक विनिंग रूम जिसमें फ्लोर भी होना चाहिए और एक डिलीवरी रूम, चाहे 2 फीमेल का बना लो चाहे उसको कंबाइंड बना लो, जितना छोटा होगा उतना जानवर उसके अंदर सेफ रहेगा। आज भले ही डिलीवरी रूम बनाने में फ्लोर लगाने में 4 पैसे ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन वही बच्चे जितने पैदा होंगे उतने बचेंगे, तो आपको आगे चल के वही पैसा कवर होगा। अभी टचवुड, भगवान की कृपा से जितने भी बच्चे होते हैं, ये लूज मोशन
सर्दी लग गई, हवा लग गई, पानी लग गया, गीले हो गए, ठंड लग गई, इनके कारण तो आज तक हमारे कोई बच्चा नहीं मरा। और भी जितने फार्मर कॉन्टैक्ट में हैं जिन्होंने डिलीवरी रूम अलग से बनाया, अगर कोई बड़ी बीमारी ना आए तो जितने बच्चे पैदा होते हैं उतने विनिंग होते हैं, और जितने बच्चे आप विनिंग करोगे उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट है। इंडिया के अंदर सुअरबाजी में लोग घाटे में क्यों जाते हैं? सिर्फ इसलिए मादा बच्चे तो देती है 12, 90% फार्मों पे आजकल 12 की एवरेज आ रही है, डिलीवरी वाली दिन 12 बच्चे आते हैं, लेकिन विनिंग होने तक 6 रह जाते हैं। उसके दो कारण हैं बड़े, एक लूज मोशन, एक सर्दी। सर्दी लगती है तो लूज मोशन लगते हैं, फ्लोर लगा नहीं तो दिक्कत बढ़ती है। तो ये सेटअप को ठीक करने के लिए जो शेडे हैं वो अलग अलग होनी चाहिए। शेडों की जो हाइट है छोटे जानवरों की कम से कम हो। अभी मेरा बजट सही नहीं है, अदरवाइज मैं अपने डिलीवरी रूम के ऊपर एक नर्सरी रूम बनाना चाहता हूँ जिसकी मैं हाइट रखूंगा 7.5 या 8 फुट। उसमें सिर्फ 8 किलो से लेकर 20 किलो तक जानवर रखूंगा। हाइट उसकी कम रखूंगा क्योंकि उसमें गर्मी बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा गर्मियों में विंडो खोलो, हवा क्रॉस होगी, 2.5 फुट से ऊपर विंडो रख लो, हवा अपने आप निकलेगी। सर्दियों में उसमें गर्माइश बनी रहेगी, उसमें हीटर लगाने की भी जरूरत नहीं है। 27x27 का नीचे रूम है, 27x27 का ऊपर बनाऊंगा, उसमें 4 पार्टीशन करूंगा, बच्चे वीनिंग होके नीचे से ऊपर। हमारे यहाँ भी आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा होगा जेस्टेशन की हाइट सबसे ऊंची होती है क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा इकट्ठी होनी चाहिए होती है, तो उसके सेंटर में एग्जॉस्ट भी होना चाहिए जो नेचुरल अपने आप हवा निकले बाहर। डिलीवरी रूम 9, 9.5, 10 फुट पे हाइट चलती है, नर्सरी की कम होनी चाहिए। तो जब हम एक ही शेड के नीचे सारा काम करते हैं ना तो वहाँ पे सारी खिचड़ी पक जाती है, तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है।